तो हम सभी तो जियो सिम यूज़ करते हैं और जियो सिम का डाटा भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि जियो सिम का डाटा यूज़ करने के बाद भी हम उस जियो सिम का जो डाटा उसे हमारा मोबाइल पर वापस ले आ आ सकता सकता। हूँ, लेकिन हम कैसे उस डाटा को बैक कर सकते हैं और कैसे उस डाटा को दूसरी नंबर पर रिसर्च भी कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो दोस्त, मेरा नाम मालिक और आप देख रहे हैं चैनल लिली मास्टर। तो चले देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों इसके लिए हमें पहले प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है डाटा बैक। तो हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम सर्च करेंगे डाटा बैक, DA DataBack। सबसे ऊपर जो है ये जो डाटा बैक, इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने इंस्टॉल करिए। मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहीं से तुरंत जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों सिंपली ओपन करेगा, ओपन करने के बाद आपको ऐसा एक पेज आएगा। दोस्तों आप पहले ये साइन अप करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं पहले से साइन अप कर सका हूँ। दोस्तों जब आप लोगों ने ये डाटा बैक का एप्लीकेशन के साथ आप लोगों का मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी को साइन अप करेगा, तब से ही आपका डाटा सेफ होना शुरू होगा। और कुछ दिन बाद और दो तीन दिन बाद आप जितने यूज़ करोगे उतने ही आपका डाटा सेफ होगा। मैं 4 और 5 दिन में हमारा ये आप लोगों देखा कि मेरे ये एप्लीकेशन में 228 MB सेफ हुआ सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन में। तो हम कौन कौन ऐप से मेरा डाटा सेफ हुआ ये सब दिखाएगा यहाँ, और आप यहाँ जाकर भी ये 3 टोटल ऑप्शन में जाकर भी आप देख सकते हैं, आपका प्रोफाइल दे सकते हैं, ये मोबाइल डाटा, योर मोबाइल डाटा यूज़, इसमें जाकर आप बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं आप लोगों ने। तो हम जब आपका ये जो डाटा सेफ होगा इसके बाद आप लोगों ने रिसर्च कर पाएगा, आपका खुद मोबाइल में भी या आप रिसर्च कर पाएगा और डाटा बैक कर पाएगा उस नंबर में ही, और दूसरे नंबर में भी आप रिसर्च कर दे पाएगा। तो डाटा सेव करने के लिए पहले आपको पहले जाना है, हमें जो जितने भी है हमारा नोटिफिकेशन में दिखाएगा कि आपका मोबाइल में इतना डाटा सेव हुआ, और हमें जाना है ये डाटा सेव का ऑप्शन जो, या यह क्लिक करने का बाद हमें यह ऐसा एक लुकिंग आएगा, ये डाटा यूजिंग फाउंड सेविंग डाटा, तो ऐसा एक आएगा। तो मेरा 228 MB सेव हुआ और मैं आप रिसर्च करूँगा मेरा दूसरा एक नंबर पे। आप यह जाकर भी आप डाटा सेव कर सकते हैं कि आप डाटा को बैक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों यह जो न्यू फीचर्स है ये इंटरनेट स्पीड का फीचर्स भी मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल में कितना इंटरनेट स्पीड है। तो मेरा मोबाइल में इस लोकेशन में 8.76 Mbps स्पीड है। तो दोस्तों ये फीचर, ये ऐप बहुत अच्छा है, आप यहाँ से 100% डाटा बैक कर सकते हैं आपका मोबाइल में। तो मैं आप रिसर्च करूँगा मेरा एक नंबर में, ये जो गेट फ्री रिसर्च। तो दोस्तों मैं इस नंबर में ही डाटा को बैक करूंगा और रिसर्च करूंगा। तो सिलेक्ट योर सर्विस प्रोवाइडर, तो मेरा नंबर है एयरसेल, मैं जियो जियो यूज़ कर रहा हूँ, जियो से हम एयरसेल मोबाइल में रिसर्च करूंगा। तो सर्कल सर्कल आसाम आप इसे प्रोसेस करना है, पर लोडिंग हो रहा है। दोस्तों आप किस टाइप का मोबाइल का रिसर्च कर सकते करना चाहते हैं, 2G प्लान और 3G प्लान? मैं 3G प्लान रिसर्च करना चाहता हूँ। वैलिडिटी 5 दे, आप कितने दिन की कर सकते हैं, मैं ये वाला करूँगा 85 MB करूँगा, 3 वैलिडिटी 3 डेज और
85 3G डाटा मैं इसे यूज़ करूँगा। तो कन्फर्म करना है प्रोसेस। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो रिसर्च वो सक्सेसफुल हुआ। यू कैन 3 मिनट्स प्रोसेस रिसर्च ऑन। दोस्तों मेरा ये जो ये रिसर्च इन प्रोसेस मेरा हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे करके आप अपना रिसर्च को डाटा को यूज़ कर सकते हैं और डाटा यूज़ कर डाटा बैक कर सकते हैं। अगर आपने इस एप्लीकेशन को किसी सोशल मीडिया में शेयर करना चाहते हैं, शेयर करने के बाद आपका प्रोसेसिंग भी मिल जाएगा। से मैं इस लड़के को जब भी हम शेयर करूँगा तो मेरा मोबाइल में प्रोसेसिंग भी उस एप्लीकेशन में प्रोसेसिंग भी डाटा आएगा और मैं उस डाटा को हम कोई अदर नंबर में और मेरा नंबर अपना नंबर में ही रिसर्च कर सकता हूँ। तो दोस्तों यही है। तो दोस्तों देखा है कि मैं पोसासी एम बी 85 MB को रिसर्च किया, हमारा MB यहाँ कट गया और 143 MB हमारा बसा है। तो दोस्तों मेरा जो दूसरा नंबर का डाटा वो रिसर्च हो गया और मैं उस नंबर से मैं आप डाटा यूज़ कर सकता हूँ, नेट भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरा नंबर में दूसरा नंबर में एक मैसेज आया, सक्सेसफुल मैसेज कि इंटरनेट पैक और डाटा का रिसर्च हुआ। तो मैं मेरा मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, ये मैसेज ऑप्शन में ये दोस्तों जो मेरा सक्सेसफुल मैसेज ये देख रहा है दोस्तों कि सक्सेसफुल मैसेज आया है। बैलेंस 0.8 मेरे बैलेंस नहीं है। तो डाटा ओनली डाटा यूज़ किया है, डाटा का रिसर्च किया तो आया। दोस्तों इसी तरह आप अपना मोबाइल में रिसर्च कर सकते हैं, अपना जियो नंबर से भी कर सकते हैं और आप जिस नंबर में आप डाटा यूज़ करोगे उस नंबर का भी डाटा आप बैक कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप जियो नंबर का ही डाटा यूज़ कर सकते हैं और डाटा बैक कर सकते हैं, अपना मर्जी, जिस नंबर का चाहे आप उस नंबर का भी डाटा यूज़ करने के बाद आप उस डाटा को बैक कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए यही है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपका बहुत पसंद आया और आपका बहुत सहायता होगा। तो दोस्तों आज के लिए यही है। थैंक यू एंड गुड बाय।